सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगे तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी से होगी संसद के बजट सत्र की शुरुआत। 11 फरवरी तक चलेगा सत्र का पहला चरण और 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा दूसरा चरण। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा आम बजट। लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन का शुभारंभ आज। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत देश भर के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी लेंगे हिस्सा। जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर होगा मंथन। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR के लिए नहीं मांगा जाएगा कोई दस्तावेज। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा नहीं होगी किसी बायोमेट्रिक की जरूरत। अप्रैल से सितंबर के बीच घर घर जाकर ली जाएगी जानकारी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान $397 बिलियन से ज्यादा का निर्यात। बीते साल के इसी अवधि के मुकाबले करीब 1% की बढ़ोतरी। आयात में करीब 6% की कमी। व्यापार घाटे में सुधार। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर कश्मीर मुद्दा उठाने में नाकाम रहा पाकिस्तान। सदस्यों ने बताया द्विपक्षीय मामला। भारत ने कहा इस्लामाबाद के बेबुनियाद आरोप को संयुक्त राष्ट्र ने नहीं समझा चर्चा के भी लायक। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा जो 3 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सेंट्रल हॉल में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 31 बैठकें होंगी। बजट सत्र के 2 चरणों के बीच में करीब 1 महीने का अवकाश रखा जाता है। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों विभागों से जुड़ी संसदीय समितियां बजट आवंटन प्रस्तावों का परीक्षण करती हैं। लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन की आज से शुरुआत हो रही है। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत देश भर के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की भूमिका की केंद्रीय थीम पर अगले 3 दिनों तक संसदीय दिग्गज सम्मेलन में मंथन करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उत्तर प्रदेश विधानमंडल में इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अधिकतर विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जबकि स्वागत भाषण उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित करेंगे। सम्मेलन में भारत के विधायी निकायों के प्रमुखों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को इस प्रकार का अवसर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बैठक का अवसर पहली बार मिला है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन हुए हैं। उत्तर सती समारोह भी हुआ है। पहले भी अनेक कार्यक्रम हुए हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का यह आयोजन उत्तर प्रदेश विधानसभा को सौंपा गया है। मैं इसके लिए इंडिया रीजन के कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन के अध्यक्ष और भारत की लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी के प्रति अनुग्रहित भी हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को यह अवसर दिया। सम्मेलन में मुख्य चर्चा का विषय जनप्रतिनिधियों की भूमिका रहेगी। इस कड़ी में 2 पूर्ण सत्रों में पीठासीन अधिकारी 2 अहम विषयों पर मंथन करेंगे। समापन सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल
सम्मेलन में अपना विचार रखेंगी। इस सम्मेलन का मुख्य विषय रोल ऑफ लेजिस्लेटर्स, जिसे अपनी भाषा में कहेंगे जनप्रतिनिधियों की भूमिका, ये थीम है इस सम्मेलन की। ये हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, उनकी भूमिका को और विस्तृत करना और लोकोपयोगी बनाना और प्रभावी बनाना, यह इसकी थीम है सम्मेलन की। सीपीए की 52 देशों में 180 शाखाएं हैं, जिनको 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। पूरे सीपीए में उत्तर प्रदेश विधानमंडल 504 सदस्यों वाला सबसे बड़ा विधायी निकाय है। कैमरामैन नीलेश पांडे के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह इस समय लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के ये 7वां सम्मेलन है जिसकी शुरुआत हो रही है, और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर संसदीय दिग्गज हमें मंथन करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर बताइए किस तरह से कार्यक्रम रहेगा और लोकतंत्र की मजबूती के लिहाज से सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल, ये अगर बात करेंगे प्रीति, तो जो सीपीए है या राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है, ये 1911 में स्थापित देश की सबसे, दुनिया की सबसे पुरानी जो है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं में से एक है। और ये इसने संसदीय तंत्र की मजबूती के लिए जो, और उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सशक्त बनाने के लिए लगातार कोशिश की है। और जो इसका जो भौगोलिक जो क्षेत्र है इसका, वो 9 हिस्सों में बांटा गया है पूरे दुनिया भर में, जिसमें भारत को भी एक अलग क्षेत्र जो है वो बनाया गया है। और वो उसका जो है ये 7वां सम्मेलन है। इसके पहले जो है बिहार में जो सम्मेलन हुआ था उसका पूरा जो जो थ्रस्ट था वो था मतलब जो कि किस तरह से सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जाए, और यहाँ जो है जनप्रतिनिधियों की भूमिका को केंद्र में रखा गया है। तो मुझे लगता है कि कल भी हमने बहुत सारे प्रतिनिधियों से बात की, जब इनकी एक मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, तो उनका ये कहना था कि ये जो इस समय जो जरूरत है, जिस तरह की चुनौतियां हैं उसके हिसाब से जो लेजिस्लेटर्स है उनको मजबूत बनाने की जरूरत है, चाहे वो विधायी मामला हो या बजट की छानबीन की प्रक्रिया हो, तो पूरा जो फोकस है इसी पर होने जा रहा है। और ये काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन है। आपने देखा होगा कि जो पहले पीठासीन अधिकारियों का देहरादून में सम्मेलन हुआ, उसके बाद जो है ये पिछले 3-4 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक सम्मेलन को हम लोग मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर मंथन होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अरविंद कुमार सिंह, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लखनऊ से इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं राजधानी दिल्ली में 5वें रायसीना डायलॉग का आज तीसरा और आखिरी दिन है। रायसीना डायलॉग से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 12 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। अपने आवास पर उन्होंने लातविया, उज्बेकिस्तान, हंगरी, अफगानिस्तान, चेक रिपब्लिक, मालदीव समेत 12 देशों के मंत्रियों के अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने नेताओं का स्वागत करते हुए रायसीना डायलॉग में उनकी भागीदारी की सराहना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए बड़े पैमाने के प्रयासों के बारे में बात की और प्रमुख वैश्विक विकास संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने पहुंचे ईरान और रूस के विदेश मंत्री ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग मुलाकात भी की। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच खाड़ी में बने हालात पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान सितंबर 2019 में ईरान के राष्ट्रपति रूहानी के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में गर्मजोशी से हुई बातचीत को याद किया। उन्होंने ईरान के साथ मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने की भारत की लगातार जारी प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं रायसीना डायलॉग में भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के दावे का समर्थन करने वाले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्रधानमंत्री को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर रूस की स्थिति की जानकारी दी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर पर विपक्षी दलों द्वारा जताई गई चिंताओं के बीच गृह मंत्रालय ने कहा कि रजिस्टर को अपडेट करने के दौरान कागजात या बायोमेट्रिक जानकारी देने के लिए नहीं कहा जाएगा। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि एनपीआर कवायद के तहत विभिन्न प्रश्नों वाले फॉर्म को जल्दी अंतिम रूप दिया जाएगा।
हालांकि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक एनपीआर डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ ही बायोमेट्रिक विवरण भी लेने का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि एनपीआर का लक्ष्य देश में रहने वाले हर निवासी का समग्र डेटाबेस तैयार करना है। एनपीआर के लिए अप्रैल से सितंबर के बीच घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में भारतीय कौशल संस्थान की नींव रखी। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। अमित शाह ने गांधीनगर जिले के नासमेड़ गांव में भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी। समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय युवाओं के कौशल का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, तभी मोदी सरकार बनने के बाद कौशल विकास का अलग से विभाग बनाया गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 70 साल के शासन की अर्थव्यवस्था के मुकाबले देश में 5 साल में अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है, जिसे 2024 तक और बढ़ाया जाएगा। 70 साल की आजादी के बाद के 70 साल तक इस देश की इकोनॉमी को अब 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले गए, 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाया और नरेंद्र मोदी जी ने 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को एक 5 साल के अंदर 3 ट्रिलियन डॉलर की बनाने का काम किया। एक और 70 साल में 2 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनी, हमारी इकोनॉमी बनी और एक 5 साल के अंदर इसके अंदर 50% का इजाफा कर 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनी। और आज मैं फिर से एक बार इतने सारे युवाओं के बीच में इस मंच से कहना चाहता हूं कि 2024 में हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनकर देश दुनिया के सबसे बड़े अर्थतंत्र के बीच में। केंद्र सरकार के 36 मंत्री 18 से 24 जनवरी तक जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी दी है। ये मंत्री सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को आम लोगों के बीच पहुंचाएंगे। केंद्रीय मंत्री घाटी की स्थिति का भी जायजा लेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री जम्मू कश्मीर में लोगों को उन कार्यक्रमों की जानकारी देंगे जिन्हें सरकार ने 5 अगस्त को धारा 370 को निरस्त के बाद शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल हुई है। कश्मीर मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़ा झटका लगा है। बंद कमरे में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान दूसरे मुद्दों के तहत कश्मीर पर चर्चा की मांग की थी, जिसे परिषद के बाकी सभी सदस्यों ने नकार दिया। बैठक में दूसरे सदस्य देशों ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बहस के लिए ये सही जगह नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने इसे भारत की बड़ी कामयाबी बताया है। अकबरुद्दीन ने ट्वीट किया कि आज यूएन में हमारा राष्ट्रध्वज गर्व से लहरा रहा है। जिन्होंने एक झूठे ध्वज को लॉन्च करने की कोशिश की, उन्हें हमारे कई मित्रों ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान के किसी बेबुनियाद आरोप को संयुक्त राष्ट्र ने चर्चा के लायक भी नहीं समझा। The outcome of the consultations is on expected lines. We are happy that neither the alarmist scenario painted by the representatives of Pakistan nor any of the baseless allegations made repeatedly by various representatives of Pakistan in UN fora were found to be credible. We are glad that it was pointed out by many friends that bilateral mechanisms are available to raise and address issues that Pakistan may have in its ties with India. Pakistan's practice of using false pretenses to distract from addressing the malaise that afflicts it has run its course today. We hope that going forward, Pakistan pays heed to the clear signals sent out today and focuses on the hard tasks it has to address to ensure normal relations with India.
गगनयान परियोजना के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में 11 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के संबंध में ये जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि रूस में ये प्रशिक्षण जनवरी से तीसरे सप्ताह से शुरू होगा। एक बयान के अनुसार रूस में 11 महीने के प्रशिक्षण के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को भारत में मॉड्यूल विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसमें उन्हें इसरो द्वारा डिजाइन किए गए क्रू और सर्विस मॉड्यूल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें उसे चलाना, उसमें काम करना सिखाया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना गगनयान के 2022 में प्रक्षेपित होने की उम्मीद है। इसी साल भारत की आजादी के 75 साल भी पूरे होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि जल्द ही अर्थव्यवस्था और बेहतर स्थिति में पहुंचेगी। उन्होंने बात सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा की किताब गोइंग पब्लिक माई टाइम एट सेबी के विमोचन के दौरान कही। कार्यक्रम के आर्थिक जगत से जुड़ी तमाम मशहूर हस्तियां भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। पुस्तक के लेखक यूके सिन्हा IAS अधिकारी रहे हैं। इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि बीते सालों में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिसके नतीजे जल्द देखने को मिलेंगे। As I said, we need to understand, we need to get the diagnosis right. And once we got the diagnosis right, I think there is enough political willpower and there is enough executive firepower for this country to get its act together. And it will happen and then we will get I was expecting and I'm still expecting these 5 years to build on the foundations for the last 5 years, and I think this is beginning to happen. कारोबारी साल 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान बीते साल इसी अवधि की तुलना में भारत के निर्यात में करीब 1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान देश से $397 बिलियन से ज्यादा का निर्यात हुआ है। हालांकि इस दौरान आयात में करीब 6% की गिरावट देखी गई और ये $455 बिलियन से कुछ ज्यादा रहा। जहां तक व्यापार संतुलन की बात है तो यहां एक अच्छी खबर है। अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का व्यापार घाटा कम हुआ है। पिछले साल इस अवधि में ये $89.49 बिलियन था, जो इस बार घटकर $57.66 बिलियन पर आ गया। और अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां पार्टियां चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं, वहीं चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली में 22 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं, जो चुनाव में खर्च का हिसाब रख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होते ही चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। चुनाव आयोग ने पूरी दिल्ली में 22 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं, जो चुनावों में होने वाले खर्च पर नजर रख रहे हैं। आदर्श आचार संहिता के अनुरूप निगम के अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों से 4,27,135 पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटा दिए हैं। हालांकि आयोग को सी विजिल एप्स के जरिए लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब तक 445 शिकायतों में से 380 शिकायतें केवल पोस्टर और बैनर लगाने को लेकर आई हैं। सी विजिल में हमारे पास अभी तक 445 कंप्लेंट्स आई हैं और सारी कंप्लेंट्स पे एक्शन हो चुका है। 365 केसेस में वो ट्रू पाई गई और 263 कंप्लेंट्स को 100 मिनट के अंदर डिस्पोजल किया गया, तो हमारा एक्यूरेसी रेट 80% से ज्यादा है। दिल्ली में 8 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए 13,750 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जिसका संचालन पूर्ण रूप से महिलाओं के हाथ में होगा। उसी तरह 11 पोलिंग स्टेशन में चुनावी गतिविधियों का पूरा संचालन दिव्यांग कर्मचारियों के हाथ में होगा। 70
मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे और इन्हीं मॉडल पोलिंग स्टेशन पर ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन होंगे, जिनको हम कई बार पिंक पोलिंग स्टेशन भी कहते हैं। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक पीडब्ल्यूडी स्टाफ्ड पोलिंग स्टेशन भी होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी। जहां तक क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस की बात है, ये मैंने आपको बताया था कि इट इज़ एन ऑनगोइंग असेसमेंट। तो फिलहाल 496 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाइड हैं। दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर अधिकारियों ने मौसम विभाग की उपलब्धियों और देश को उसकी सेवाओं को साझा किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग ने पिछले कुछ समय में अपनी गुणवत्ता में काफी सुधार किया है। उन्होंने कहा कि मौसम की सटीक जानकारी में बेहतर और उच्च तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। मौसम विभाग सटीक और सही जानकारी के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। Mainly because we invested in 2-3 items. One is improving observational systems and improving models. We have adapted models from US and UK, but then we have fine-tuned it for our own region. And a lot of data is going into the models now. And we have acquired a very big computer, so because computer is very important for running models. And so we are able to run the model at very high resolution compared to other countries. And also we invested in training our people, IMD people. We have sent a lot of people abroad for training and they got experience and came back and did a lot of good work for us. So IMD is on the right track. And okay, next few years, if this momentum is kept or if we can oscillate further, IMD will do a much better job for the country. और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन से मानवता के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। कोरल रीफ, रेन फॉरेस्ट और अन्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के विनाश ने मानव समाज को संकट में डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के करीब 1/3 महासागरों और भूमि पर जैव विविधता रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने पृथ्वी पर छठे बड़े विलुप्ति को रोकने के लिए 2030 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा जैविक विविधता का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे इस साल अक्टूबर में चीनी शहर कुनमिंग में होने वाले संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाया जा सकता है। 20 सूत्रीय मसौदा योजना के तहत प्लास्टिक कचरे और अतिरिक्त पोषक तत्वों से प्रदूषण को 50% तक कम किया जाएगा। और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर खत्म करने की दिशा में पहला कदम रखा जा चुका है। दोनों देशों ने ट्रेड डील के पहले फेज पर दस्तखत कर दिए हैं। दिसंबर के महीने में दोनों देशों ने ट्रेड डील की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया था। हालांकि डील के पहले चरण के तहत अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले सामान पर लगाए गए टैरिफ को वापस लेने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ दूसरे चरण की बातचीत भी जल्द शुरू होगी। पहले चरण की बातचीत पर अमल में आते ही दोनों देश दूसरे चरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। हालांकि तब तक सैकड़ों अरब डॉलर के चाइनीज आयात पर टैरिफ पहले की तरह लगता रहेगा। ट्रंप ने कहा कि दूसरे फेज के लिए सहमति जैसे ही बन जाती है, हम अतिरिक्त टैरिफ वापस ले लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संसद के निचले सदन में चल रही महाभियोग की कार्यवाही को ऊपरी सदन सीनेट भेजने के पक्ष में सांसदों ने बुधवार को वोट किया। सत्ता के दुरुपयोग और संसद के काम में अवरोध पैदा करने के आरोप में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग अब सीनेट में चलेगा। सीनेट में महाभियोग की कार्यवाही 21 जनवरी से शुरू हो सकती है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे।
ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही सीनेट में चलाए जाने के पक्ष में 228 सांसदों ने जबकि विपक्ष में 193 सांसदों ने वोट किया। निचले सदन ने 7 महाभियोग प्रबंधकों की नियुक्ति की है जो डेमोक्रेट्स की तरफ से ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए बहस करेंगे। चीन के साथ मंगलवार को ट्रेड डील साइन करते वक्त ट्रंप ने महाभियोग को सिर्फ एक अफवाह करार दिया और कहा कि इसका कोई असर नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री पद के लिए टैक्स सर्विस के प्रमुख मिखाइल मिशुस्तिन के नाम को प्रस्तावित किया है। वो देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। 53 वर्षीय मिशुस्तिन की नियुक्ति का प्रस्ताव दिमित्री मेदवेदेव के इस्तीफा देने के बाद आया है। इसके पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा संवैधानिक सुधारों का ऐलान किए जाने के बाद रूस में सरकार ने एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में बुधवार को इस्तीफा दे दिया था। खबरों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के देश में व्यापक संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखने के बाद रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव और उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तिरुक्कुरल के रचयिता प्रख्यात तमिल चिंतक कवि तिरुवल्लुवर की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि तिरुक्कुरल ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया जिसमें मानव जाति को एक महान जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों द्वारा किए गए काम की तारीफ की है। सेना के ये जवान चुनाव कॉप्स के हैं। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि कश्मीर की सेना के जवानों ने कमर तक गहरी बर्फ में पैदल चलकर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। उपराष्ट्रपति ने भारतीय सेना की वीरता करुणा और समर्पण को सलाम किया है। और बात मौसम की करें तो देश की राजधानी दिल्ली सहित लखनऊ कानपुर और भोपाल में आज बारिश की आसार बने हुए हैं। इससे मौसम में और गिरावट आ सकती है और ठंड बढ़ सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए और जाते जाते एक नजर डालिए देश भर के प्रमुख शहरों में मौसम के हाल पर और ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज़। नमस्कार।